स्टेडियम एक भी गरीब खाना नहीं पाया तीन तीन दिनों तक। एक एक दलित हो या कोई ब्राह्मण हो या कोई राजपूत हो भूमिहार हो जादव हो मजदूरी नहीं करेगा बेटा बेटी। जहाँ पप्पू यादव का बेटा पढ़ेगा वही गरीब का बच्चा पढ़ेगा। और जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा 18 सालों तक मेरी सरकार 4000 रुपया हर परिवार को भेजेगा ताकि वो गरीब का माँ बाप आराम से जी। जैसे ही आप इंटर कर लीजिएगा आपका बेटा बेटी पप्पू यदि आप पढ़ना चाहिए मैं दिल से कहता हूँ 8000 रुपया हर बच्चों के अकाउंट में डालेंगे जब तक वो पढ़ेगा किसी माँ बाप पर उसको हम आशीष देंगे। जैसे ही कोई यूथ इंटर करेगा और बेटी बेटी को स्कूटी और बच्चे को मोटरसाइकिल आत्मनिर्भर बनने के लिए पप्पू यादव की सरकार से हर यूथ को ये लड़ाई हम 3600 पेंशन नहीं होगा आते ही 3000 पेंशन हर बूढ़ा बूढ़ी का करेंगे और 28 तारीख को आपके अकाउंट में सबका पेंशन में डाल देंगे। अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई का इलाज पप्पू यादव फ्री करें फ्री हर गरीब आदमी जो 2 बीघा से नीचे टेम्पू वाला हो सब्जी वाला हो जो छोटा छोटा काम करने वाला सबसे ज्यादा गरीबी इसी कारण से होता है। मैं वादा करता हूँ ये मेरे इस शपथ पत्र में सबका फ्री करेंगे कोई गरीब को कर्ज नहीं। क्या हुआ बिहार का विशेष है 8400 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी आप क्वारंटाइन का खा गए आप 24000 करोड़ रुपया हरियाली यात्रा का खा गए आप मनरेगा का खा गए क्या हुआ 1,60,000 करोड़ रुपया दोनों भाई पप्पू यादव ये किताब है प्रतिज्ञा पत्र और पहली बार ये शपथ पत्र है मेरा कोर्ट के सामने ये जज का सिग्नेचर है पहली बार हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने शपथ पत्र दिया। यदि बिहार की जनता पप्पू को बेटा समझकर मौका देगी तो 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिहार बनेगा। शेल्टर हाउस में 27 दलित और निषाद की बच्ची गरीब के बच्ची के साथ बलात्कार करके जिंदा जला दिया अकेला लड़ाई पप्पू लड़े 300 किलोमीटर तक पैदल चले ये जिम्मेदारी मेरी थी कम चले पप्पू यादव। गुजरात में बिहारी पर जब लाठी और मारा जा रहा था हम पहुंचे तो हम फेंक दिया हमने मोदी जी को कहा आपको जितना पंप चलाना हो चला लीजिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा एक एक बिहारी को लेके जाएंगे मर जाएंगे तभी तक लड़ाई एसएससी की लड़ाई यूपीएससी की लड़ाई बीपीएससी की लड़ाई नियोजित शिक्षा की लड़ाई जीविका की लड़ाई वित्त प्रोफेसर की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी देश का सबसे भूखा प्रदेश बिहार माँ कभी खाना नहीं खा पा बच्चे को खिला के सो जाते ये 2019 के संसद भूखा में भी क्यों नरेंद्र मोदी 30 साल में बिहार की दुर्गति की एक भी फैक्ट्री क्यों बंद नहीं क्यों सब फैक्ट्री बंद हो गई कारण क्या आपने तो रेलवे को निजीकरण कर दिया आप बैंक को निजीकरण कर दिया क्या गरीब दलित और किसी गरीब का बेटा अब नौकरी कर पाएगा कर पाएगा सब रेलवे निजीकरण और सबको घर भेजे नीतीश जी 17 दिनों तक पावर घर से नहीं निकले ये सबसे बड़का चोर सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ पंद्रह लाख आदमी को पप्पू यादव अकेला खाना सुबह शाम को घर पहुंचाता है अकेला। अभी बाहर जब सबको लेकर के पप्पू यादव पटना पहुंचा तो स्टेडियम में मजबूर भूखा पप्पू यादव एक एक घर पर पहुंच के 1,00,000 रुपए दिए यदि ना हो यदि पप्पू पर आपको भरोसा ना हो मैं हाथ जोड़ने आया 7 केजी आटा 40 केजी चावल 20 किलो प्याज 5 किलो दाल और 5 लीटर तेल 28 तारीख को हर गरीब के घर पर पप्पू यादव पहुंचा देगा जिस दिन मेरी सरकार कोई 2 से 3 साल के अंदर